और खबर रायबरेली से, जहां वर्दी के गोरूर में एक पुलिसकर्मी दिखा, एक पुलिसकर्मी वर्दी के गुरूर में नजर आया और एक पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर असला तान दिया। बिना किसी बात के दुकान पर पहुंचा था पुलिसकर्मी और गालियों का विरोध करना व्यापारी को महंगा पड़ गया। तस्वीर आपको दिखा रहे, इस सीसीटीवी फुटेज जो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर अपना रिवॉल्वर तान दिया और जान से मारने की धमकी भी दी है। पूरा मामला बगल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सीसीटीवी कैमरे में रिवॉल्वर तानते हुए तस्वीर साफ है। और आपको बता दें, पीड़ित आरोपी ने थाने में इसकी तहरीर दी है। बछवावा थाना क्षेत्र के उत्तर बाजार कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां वर्दी के गुरूर में पुलिसकर्मी दिखा रहे, पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर अपना रिवॉल्वर तान दिया। पुलिसकर्मी ने अपना सर्विस रिवॉल्वर ताना और वर्दी के गुरूर में पुलिसकर्मी दिखा। दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा वाकया कैद हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी एक दुकान पर पहुंचा और व्यापारी का कहना है कि गाली गलौज की जा रही थी, जिसके बाद विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर अपना सर्विस रिवॉल्वर तान दिया। खबर आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरा मामला क्या है? वर्दी के गुरूर में पुलिसकर्मी दिखाई दिया है। एक पुलिस वाले का एक वर्दी में जो है एक व्यापारी यानी एक दुकानदार के ऊपर असलाह तानने का जो मामला सामने आया है, वो पुलिसिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है जी। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से रायबरेली का ये बछरावा थाना क्षेत्र है, जहां कस्बे में एक दुकान पर एक वर्दीधारी पहुंचा और उसने जो है कुछ मामूली बात को लेकर के वहां पर नहीं दिया, सर्विस रिवॉल्वर उसके ऊपर निकाल ली और उससे धमकाने और गाली गलौज करने लगा, जिसका वह एक बगल में लगा जो एक कैमरा था सीसीटीवी, उसमें कैद हो गया। जिसके बाद उसने जो है पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं अगर लेकिन जब बात यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से की गई तो श्लोक कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है, फिलहाल ये जो पुलिसकर्मी है वो रायबरेली का रहने वाला नहीं है और ना ही रायबरेली में तैनात है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कराई जा रही जी। मनीष, जैसी तस्वीरें दिख रही है, रिवॉल्वर तानना एक आम जनता पर, ये कहीं वसूली का मामला तो नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर वही बात करें दुकानदार से, तो दुकानदार से जब हम लोगों ने बात की तो दुकानदार ने साफ तौर पर बताया कि एक हफ्ते पहले ये सिविल में मेरे पास आया था और मुझसे दुकान से कुछ सामान भी खरीद के ले गया, लेकिन उसके बाद ये कल फिर आया और वर्दी में था। वर्दी होने के बाद जब इसने मेरी बातचीत होने लगी तो इसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने गालियों का विरोध किया तो इसने सीधे रिवॉल्वर पिक्चर निकाली और मुझे धमकाने लगा जी। मनीष, लेकिन जो संज्ञान में लेने वाली बात ये है, वो ये है कि ये पुलिस वाला वहां का नहीं है, कहीं और का बताया जा रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां दुकानदार पर एक पुलिसकर्मी ने रिवॉल्वर दिखाई और वर्दी के गुरूर में पुलिसकर्मी दिखा और खबर बुलंद शहर